सो वेलकम टू माई सेकेंड ब्लॉग फ्रेंड्स। आज मैं घर से बस थोड़ी सी दूर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाके यहाँ का जो हरियाली है ना, इसको मैं शो करने वाला हूँ। ये कोई लंबी ब्लॉग नहीं होगी, 5-6 मिनट की ये ब्लॉग है। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। ये जगह कुंती घाट में बहुत ही अच्छा, बहुत फेमस माना जाता है। इसको बोलते हैं काट ब्रिज और ये एक हावड़ा ब्रिज का रिसेम्बल करता है और ये एक हैंगिंग ब्रिज है। काफ़ी लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और इस जगह पे खासकर फोटो शूट्स वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं। माना जाता है कि ये ब्रिज 300 साल पुराना है। ये उस समय का बिलोंग करता है जिस समय नवाब सिराजुद्दौला बंगाल पे राज किया करते थे। ये पुल मुर्शिदाबाद को कोलकाता से जोड़ता था, तो उन दिनों कोई भी रेलवे का कोई साधन नहीं था। आप देख सकते हैं वहाँ पे रेलवे का एक जो पुल है वो बाद में निर्माण हुआ है, लेकिन उस दौरान जब नवाब बंगाल के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान कोई भी मार्ग नहीं था, तो इस पुल के माध्यम से ही वो मुर्शिदाबाद और कोलकाता को कनेक्ट किया करते थे। ये ब्रिज एक हैंगिंग ब्रिज है और यहाँ नीचे में कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। We can therefore call it as a technological marvel of the days when modern engineering gadgets were yet to see the light of the day. और वहाँ पे देखिए कुछ लोग आ रहे हैं पिकनिक करने, बहुत ही अच्छा एंजॉय हो रहा है वहाँ पे और हम लोग को रेफर करते हुए वो डांस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज पे मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, तो ये रूरल इलाका की तरह दिखता है ये जगह। और मैं जो अभी जो यहाँ का जो सीन दिखाऊंगा ना, तो आपको भी इच्छा कर जाएगा कि हाँ कभी आप जब विंटर में आए ना, तो कुंती घाट का इस वाले इलाके में आप ज़रूर विजिट करो। यहाँ पे कुछ लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है कि प्री वेडिंग शूट्स हो रही है वो। और यहाँ का जो सीन है आप देख सकते हैं, ये रेल मार्ग जो है वो हावड़ा से काटवा को जोड़ता है और मैं अभी जिस इलाके में हूँ वो इलाका पड़ता है रामनगर का। और वो जो मैंने ब्रिज आपको दिखाया उससे बस थोड़ी सी दूर आने पर ये खूबसूरत सा जो जगह है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेन जो आ रही है ये काटवा से हावड़ा की तरफ जाएगी और हम जिस नदी पे मौजूद थे, जिस ब्रिज के ऊपर में, और उसके सामने में जो ब्रिज पड़ता था वो रेलवे का ब्रिज था और उसी के होते हुए ये जो ट्रेन है वो जाने वाली है। तो ये बहुत ही खुला सा आसमान के नीचे में आप जब भी आओगे तो अपने आप को पाओगे, क्योंकि यहाँ पे घर का संख्या बहुत कम है। एक सिंगल सा रोड है जो कनेक्ट करता है कुंती घाट को अगले स्टेशन डुमुरदा के तरफ जाता है, भले ही वो हाईवे में निकल जाता है फिर तो। और यहाँ पे देखिए जो धान का शायद ये खेती हुआ है और ये पेड़ जो है यहाँ का, अभी सर्दियों के दिन में थोड़ा सा सूखे पड़ गए हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और ये खूबसूरत सा पेड़ है जो इसका एक भी पत्ता नहीं है, बट फिर भी देखने में बहुत कमाल का लग रहा है ये। और ऐसा 3-4-5 शायद ऐसा पेड़ है। अभी तो फिलहाल ज़्यादातर सरसों का खेती हो रहा है, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग जो है वो सरसों का खेती को ही प्रेफर किए हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि ये कमाल का नज़ारा है और आप जब भी यहाँ पे आओ तो ये वाली सीन को ज़रूर कैप्चर करो। और यहाँ से दूर दूर तक खेती में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आलू का शायद खेती किया गया है और बगल में ही सरसों का ये विशाल सा खेती किया गया है। तो चलिए यहाँ का जो सीन है मैं आपको वाइड एंगल कैमरा की मदद से आपको शो करने की कोशिश करूँगा।
ये जो रास्ता है ये एक अलग सा गांव में कनेक्ट करेगा, तो लोग आप देख सकते हैं यहाँ बाजार के लिए इस तरफ से ही जाते हैं। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खेती किया गया है, बहुत साइंटिफिक तरह से खेती किया गया है, बहुत प्लान्ड तरीके से खेती हुआ है, अलग अलग किस्म के क्रॉप्स यहाँ पे उगाए गए हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर प्लेस है ये, भले ही कुछ नहीं किया गया है इसको, कहीं पे भी कोई आर्टिफिशियल कोई भी डेकोरेशंस नहीं किया गया, बट ये जो खूबसूरती यहाँ पे आप देखेंगे ना, बहुत ही रेयर जगहों पे ये सब देखने को मिलता है। और विंटर के समय में वहाँ पे पेड़ में पत्तियाँ हट चुके हैं, बट फिर भी ये जो सीन है काफ़ी मज़ेदार लगेगा। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम होने वाली है और मैं यहाँ लेट नहीं करूँगा, और फिर आशा रखूँगा कि फिर मैं किसी दिन यहाँ पे आऊँ और इस खूबसूरती को फिर से मैं कैप्चर करूँ और आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग वहाँ आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पे आते हैं। फाइनली हम इस जगह से अब वापस जा रहे हैं और उसी जगह से होते हुए जाएंगे जो ब्रिज था बीच में, और उसके तरफ से ही होते हुए अपने घर की तरफ हम चले जाएंगे। अब शाम हो चुका है और लोग जो है वो बाजार की तरफ भी जा रहे हैं, और हमें भी अब इस जगह से इस रास्ता के माध्यम से ही हमको जाना है उस तरफ। आप देख सकते हैं ये वाला शायद खीरा का खेती किया गया है, और रास्ते में ये वाला चीज़ आ गया, तो मैंने सोचा कि इसको भी शायद इंक्लूड कर दूं, आप लोगों को दिखा दूं कि कितना प्लान्ड तरीके से ये लोग खेती करते हैं यहाँ। बाकी हम वही ब्रिज पे आ चुके हैं और इस ब्रिज पे होते हुए अब अपने घर की तरफ चले जाएंगे और ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में ये ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए जगहों के साथ। Also, if you like my content, do please like and subscribe to my channel, Travel to Explore. Thanks for watching.